हमारे गांव में बूटीवास में सबसे मेन समस्या यहाँ अतिक्रमण की है। जो कोई सरपंच बने चुना जाए वो अतिक्रमण की ओर ध्यान देवे। रोड लाइट नहीं है काफ़ी सालों से, जल पानी पीने की बहुत सुविधा नहीं है। मैं जाननी चाहूँ आज समस्या कोई आजकल समस्या है को नहीं, अट्टा पहले भी आज समस्या ही तो उन टाइम आ क्यों नहीं रही उन टाइम रे बाबू जी किया है मैंने आप अपन सुनिए को नहीं। कोई लोग अपना प्रचार करके अपना चला जाते हैं, लोग पहले जो कहते हैं हम आपका काम करेंगे, पाँच साल बाद में कोई काम करते हैं कोई कि आजकल युवा की पीढ़ी है, युवा की सोच है, अधिकतर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गांव में एकता की अखंडता मतलब एक टूटी हुई एकता दिख रही है। ये सारी चीज़ें को भावना में रखते हुए मैंने मन बढ़ाया और मेरे छोटे भाई की बीनड़ी को आज मैदान में उतारा। मैं खान मीडिया के माध्यम से आपको यही बताना समस्या है कि हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं खुलता, लोग भी नहीं खुलता उसका। 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ सर, मैं पहले बेंगलुरु था अब उठीवास में हूँ, ये गोली किया दिखाने के मरीज को गिरी लेके जाना पड़ता सर। ये ट्रकां बंद कराओ यानी ये रोड बनवाओ। देखो गाय मार रहे गौन मार रहा है, मार रहे कि नहीं मार रहे यहाँ पर का सबको पूछो। मैं लाख गौ मार दिए ये ट्रकां गौ मारते है बंद करा तो कहते हैं ट्रक के नीचे दे दो है ऐसे बोले तो गाली गुफा दे। दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी चुनावी यात्रा को लेकर रायपुर पंचायत समिति की एक बूटीवास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा हूं, जहां मेरे आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद है, कुछ प्रत्याशी भी मौजूद है तो उनके समर्थक भी मौजूद है। बताना चाहूँगा कि हाल ही में पंचायती राज ने जो परिसीमन किया उस परिसीमन के तहत एक मैसिया ग्राम था जिसको तोड़कर अब ग्राम पंचायत अलग ग्राम पंचायत बन गई है। कुल मिलाकर इस बूटीवास ग्राम पंचायत 7 वार्ड है और बताया गया है कि 3400 से अधिक मतदाता इस ग्राम में मौजूद है। आगामी 28 सितंबर को इस ग्राम पंचायत सरपंच के लिए चुनाव है और इस बार इस ग्राम पंचायत में सामान्य महिला की सीट आई है। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि कुल 11 प्रत्याशी मैदान में जिनके नाम अधिकृत रूप से मेरे पास है, सिलसिलेवार मैं उनके नाम आपको बताना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा देवी वाइफ ऑफ शैतान सिंह गुजर, कंचन देवी वाइफ ऑफ लादू सिंह रावत, गिरजा कौर वाइफ ऑफ गोविंद सिंह, गेंदा देवी वाइफ ऑफ बूंदाराम देवासी, तारा देवी वाइफ ऑफ उगम सिंह रावत, पप्पू देवी के बारे में बताना चाहूँगा। पप्पू देवी पूर्व सरपंच या रह चुकी है शायद, मैं सही कह रहा हूँ? और उसके बाद है पूजा वाइफ ऑफ पुखाराम गुजर, पूजा देवी उगमाराम गुजर, भौरी छित्तर मैरात, मनोरमा वाइफ ऑफ कन्हैयालाल सेल, लीला देवी नारायण सिंह राउत। बहरहाल कुल 11 प्रत्याशी इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे और ये जितने भी मतदाता है इस बूटीवास ग्राम के ये आगामी 28 तारीख को अपने उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं, इस गांव में क्या समस्या, ग्रामीण कैसा सरपंच चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर ये प्रत्याशी मैदान में। तो बहरहाल मेरे साथ एक चौधरी साहब मौजूद है जिनके बार बार आग्रह था, आग्रह तो इन ग्रामीणों को जो बाहर रहते हैं दक्षिण बाहर रहते हैं बहुत ऐसे मित्र है बूटीवास के जिनका बार बार मेरे पास फोन भी आ रहा था, सोशल मीडिया पर संदेश भी आ रहा था तो हमारे गाँव ग्राम पंचायत में भी जाओ। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैं इस ग्राम में पहुंचा चूंकि इस ग्राम में आने का कोई साधन नहीं, एक रोडवेज है वो रोडवेज भी जो आती थी पहले जैतान से पाली जाती थी वो बंद हो गई, अब एक रोडवेज है जो वाया गिरी होकर पाली जाती। तो बहरहाल चौधरी साहब से बात करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा इस ग्राम पंचायत में कैसा महिला सरपंच चाहिए आपको। खान साहब पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, खान साहब आपको बूटी पंचायत में स्वागत है, सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका अभिनंदन है। और हमारे गांव में बूटीवास में सबसे मेन समस्या यहाँ अतिक्रमण की है। जो कोई सरपंच बने चुना जाए वो अतिक्रमण की ओर ध्यान देवे। रोड लाइट नहीं है काफ़ी सालों से, जल पानी पीने की बहुत सुविधा नहीं है, पानी पाइप टूटे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है और सबसे मेन समस्या हमारे यहाँ पर जो रास फैक्ट्री है उसमें हमारी कम से कम लेबर परमानेंट हो
चौधरी साहब, मैं रोकना चाहूँगा, परमानेंट लेबर वहाँ नहीं है। मुझे बताया गया है कि इससे बूटीवास सहित आसपास के जितने भी युवा है जो रोजगार के लिए जाते हैं, पिछले 17 साल से, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, मुझे पता है 17 साल से लगभग वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सीमेंट इकाई द्वारा अभी तक एज ए ठेकेदार के रूप, ठेकेदारों के अधीनस्थ ही काम दिलवाया जाता है, उनको स्थायी रोजगार नहीं दिया गया। ये इस ग्राम की प्रमुख मांग है। बस यही सबसे स्थायी हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है, सहित दक्षिण भारत में आपका व्यवसाय है, मैं भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। माणिक चंद जी, आप कैसा सरपंच चाहिए आपको इस ग्राम में? जो आने वाला सरपंच है उनसे आप क्या उम्मीदें रखते हो? हमारा तो अच्छा काम करे, अंतिकरण है जो भी है मिटाए और अच्छा काम करे, और कुछ नहीं चाहिए। सभी पानी की सुविधा करे और यहाँ करंट लाइट नहीं रहती है, रोडों में लाइट लगाए, अच्छा काम करे, बस यही चाहते हैं हम तो। और मैं जानना चाहूँगा पिछले सरपंच साहब का कार्यकाल कैसा था, हालांकि वो इस बार भी चुनावी मैदान में हैं, उनका कार्यकाल सहित 1 साल वर्ष का ही था सहित? अच्छा काम किया था उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया था, सब पूरा गांव में, मेसिया में इधर अच्छा काम किया था उन्होंने, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने तो। बड़ी संख्या में मौजूद है, एक बादशाह मेरे साथ मौजूद है, कई नाम है आप रो? मानदास जी। महाराज जी आप रो स्वागत है, मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, अपन गांव रो मान केड़ो सरपंच है जो को गांव ने हेती लेने हाल सके? गांव में अच्छा सरपंच है और विकास करे और ये अतिक्रमण हटाए पहली तो। गाँव में अतिक्रमण ज्यादा है? ज्यादा है सर, ये हटाना जरूरी है। और पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं, पानी भर जाते हैं लोग, पब्लिक बहुत तकलीफ में है हमारे। बात से मैं जाननी चाहूँ, आज समस्या कोई आजकाली समस्या है को नहीं, अट्टा पहले भी आज समस्या ही तो उन टाइम आ क्यों नहीं रही? उन टाइम तो बाबू जी किया है नहीं, आप अपन सुने को नहीं, कोई लोग अपना प्रचार करके अपना चला जाते हैं, लोग पहले तो कहते हैं हम आपका काम करेंगे, 5 साल बाद में कोई काम करते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। तो बात से मैं कहना चाहूँ, आप कहना भी वाजिब, आप कहना है कि वोट लेवे जीते तो हुकारो भर ले, और वोट न्यूडियर फचे, आपने आईने नहीं पूछे, अब की बार तो अड़ नहीं रहला? अब की बार तो क्यों रहे, आपका काम करेंगे, आएंगे जब देखेंगे क्या होगा। देखो 11 प्रत्याशी मैदान में, हाँ तो कोई एक ही तो आएगा साहब। हाँ वो तो एक ही आएगा, जब करेंगे तो देखेंगे क्या करता हो। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमर सिंह गुजर है, मैं पूर्व पंचायत समिति मेंबर हूँ, और हाल ही में मेरे छोटी बीनणी भाई की यहाँ सरपंच चुनाव लड़ रही है, उसका नाम पूजा पुकाराम है। मैं आपको खान साहब सबसे पहले तो खान मीडिया का ग्राम पंचायत बूटीवास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। भाई साहब ये बताना चाहता हूँ कि आजकल युवाओं की पीढ़ी है, युवाओं की सोच है, अधिकतर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गाँव में एकता की अखंडता, मतलब एक टूटी हुई एकता दिख रही है। ये सारी चीज़ें को भावना में रखते हुए मैंने मन बनाया और मेरे छोटे भाई की बीनड़ी को आज मैदान में उतारा। मैं खान मीडिया के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि ये जनता है और बस्ती है, मेरी माँ बाप है, ये मन धर्म से मुझे मौका देती है, तो मैं जो समय जो पिछला अब 4 साल है जो भी है, वो तन मन धन और पूरा मैं इस भावना को रखते हुए ग्राम पंचायत बूटीवास में अपना समय बिताना चाहता हूँ। और मैं भाव के रूप में, सेवा भाव के रूप में, युवा जो है, जो बेरोजगार है, जो कंपनी में काम करने वाला, आज हमारा आपको पता है बहुत नज़दीक एक उद्योग है बहुत बड़ा, उसमें प्रत्येक घर से एक एक आदमी नौकरी कर रहा है। अब वो प्राइवेट कारखाना है, किसी का एग्रीमेंट नहीं है, किसी का कोई लगा हुआ है, किसी को नौकरी से निकाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊं खान साहब, मैं बहुत संघर्षशील आदमी हूँ, बहुत मतलब कम उम्र से मैंने संघर्ष किया, मैंने देखा सुख दुख, तो मुझे एक हमदर्दी होकर युवा के रूप में मैं इस मैदान में अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा ग्राम पंचायत बूटीवास को एक एक युवा मुझे मेरा साथ दे और भारी मतों से मुझे विजय बनावे, मेरा चुनाव चिन्ह कोट। ये थे भाई साहब जो अपना एजेंडा बता रहे थे। एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रचार में के लिए नहीं है, मेरे लिए 11 प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये जनता जनार्दन, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी आवाज़ क्या है। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा क्या समस्या है इस ग्राम की, बेबाकी के रूप से आप बोल सकते हैं, लोकतंत्र है। साहब नमस्कार, मैं खान हूँ, आप ही खान, आपका स्वागत है इस धरती पर। साहब हमारे गांव से सबसे बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं खुलता, लोग भी नहीं खुलता उसका। 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ सर, मैं पहले बेंगलुरु था, अब बूटीवास में हूँ। एक गोली या दिखाने के मरीज को गिरी लेके जाना पड़ता है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल की है। बाकी काम होता है, सरपंच बनता है, काम होता है, फंदा छोटे बड़े काम सब होता है, सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। और हॉस्पिटल की समस्या साहब से निवेदन, जो भी उम्मीदवार आवे समस्या ये मिटावे।
ठीक है, और सब अपना अपना नसीब आजमाए। ठीक है सर, और ये फैक्ट्री की समस्या है सर रोड की, ये रोडें बहुत खराब है इस ग्राम के। मैं आया अभी, मुझे पता रोडें बहुत खराब है। बिल्कुल सर, जो कंपनी में बच्चे काम करने के जाते हैं, यहाँ 400 मेंबर लगभग जाते हैं डेली, उनके जाना आना सर छोटे बड़े हादसा हमेशा होता है सर, उनकी समस्या है। और कोई है भाई साहब? सबको मौका दिया जा रहा। हाँ सर जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार होता है। कुमार साहब आपका स्वागत है। आप कैसा सरपंच आते हो? आपके घर में से तो कोई उम्मीदवार नहीं है? नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप एज ए न्यूट्रल होकर मेरी तरह से बात करोगे। भाई साहब के तो भाई की बहन थी, कोई बात नहीं। मेरी ओर से सभी 11 जो उम्मीदवार उनको शुभकामनाएं। आप मेरी तरह से न्यूट्रल होकर बताना कैसा सरपंच आता है, चूंकि महिला की सीट है। खान साहब, सबसे पहले तो आप बूटीवास में पधारे हैं, इसलिए मेरी पूरी ग्राम पंचायत की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे डामीकरण सड़क की ये ग्राम पंचायत सरपंच नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे पूर्व सरपंच श्रीमती रूप कंवर थी, काम विकास भी हुआ, अच्छा काम किया। लेकिन डामीकरण सड़क के लिए ये विधायकों से बनी जाती है या सांसद से कोटे से बनाई जाती है। ये सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेकर आगे भिजवा सकती है, ये अलग बात है। विधायक या सांसद जो भी कार्यकारी एजेंसी वो स्वीकृत करती है या नहीं करती है, ये ग्राम पंचायत के हाथ की बात नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है इनके। तो सबसे बड़ी मोटी समस्या ये है कि हमारे बूटीवा से भीमगढ़ तक 5 किलोमीटर सड़क है। यहाँ से मेरे यहाँ से हमेशा कम से कम 1500 आदमी आसपास एरिया से और बूटीवास पंचायत से 400-500 आदमी जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन बूटीवास और भीमगढ़ के लिए ये सड़क हमने अविनाश जी को भी कहा, लेकिन अविनाश जी ने कहा स्वीकृत हो गई है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति क्या मालूम आई नहीं आई, ये हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ये बूटीवास से भीमगढ़ तक ये सड़क सबसे मोटी समस्या का समाधान यही है। और बाकी छोटे मोटे काम तो हमारे होते हैं, जैसे ये गोरूपन से सड़क है, यह अगली बार में नहीं हुई तो अब की बार इसको जो ही नया सरपंच आएगा इसको सबसे पहले प्रस्ताव में लेंगे। बाकी हमारे गांव में चारों तरफ ब्लॉक वगैरह लग रखे हैं और अच्छा विकास है। पानी की समस्या वास्तव में है, लेकिन पानी की समस्या, मीठे पानी की समस्या, हमारे यहाँ 7 किलोमीटर दूर से मीठा पानी आता है। और दूसरी बात, साधन भी वास्तव में, रोडवेज की भी वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने अब पहले प्रताप सिंह जी खाचरेवार से भी जाके संपर्क किया, अविनाश जी से संपर्क किया, तो फिर ये बाबरा से बुटीवा पाली से बाबरा वाली एक रोडवेज चालू की, लेकिन एक रोडवेज अभी चालू नहीं हुई। हमने कई बार उनको कहा भी है, लेकिन अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और दूसरी बात, हमारे स्कूल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, यहाँ सीनियर स्कूल है, आसपास इलाकों में सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी अच्छा मेरे बुटीवास स्कूल का रहता है। यहाँ का साइंस का सब्जेक्ट है और आसपास इलाकों में कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ जो रायपुर और आपकी जैतरण विधानसभा तहसील है, दो तहसीलों के बीच में ये फंसा हुआ गांव फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे देखते हैं ये लास्ट बॉर्डर के गांव है, तो कोई बात नहीं, आधे सोजत में चले गए, आधे जैतरण में चले गए, इसलिए हमारा तो कुछ ध्यान थोड़ा दिया नहीं जाता है। लेकिन हमारे फैक्ट्री की तरफ से भी वास्तव में हमको यहाँ पैसा मिलता है, लगाया जाता है, 5-7 होल बने, लेकिन होल भी हमारे विधायक कोटे से या संसद कोटे से बनते हैं। लेकिन अब की बार रूप कंवर सरपंच थी तो हमने 7 होल बूटीवास पंचायत में बनाए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, जिनसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार इसे चुनावी महासमर में अधिकतर महिला की सीट है, तो इसमें कोई है उम्मीदवार? हाँ हाँ, माता जी तरकम बंद कराओ, आप ये ट्रकम बंद कराओ, ये रोड बनवाओ। देखो गाय मार रही है, गऊ ने मार रहा है, मार रहे कि नहीं मार रहे, यहाँ पर का सबको पूछो। मैं लाखू गऊ मार दिए, ये ट्रका गवा मारते, बंद करा तो कहते ट्रक के नीचे दे दो, है ऐसे बोले तो गाली गुफा दे। हमारा लड़का ने इतना मारा, इतना मार के जाटा का लड़का ने ऐसे। आप किसी जात का नाम मत लो, देखो लड़का ने मारा है, लड़का हमारा जाटा रहा, लड़का ने मार दिया हमारे मोहल्ले में, कैसे नाम नहीं लिख ले में, हमारा लड़का ने मार के ऐसे फेंक दिया। 4-5 बंदे ऐसे खड़े खड़े देखे, तो एक ओगड़ जी, मैंने उसको उठा के खड़ा कर उसको इतनी गाली दिया जिसके हद रहेगी। बोलो बताओ ये टरका यहाँ गांव में रहकर निकलना। दासा, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात वाकई में चिंताजनक बात है। हाँ माता जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है, सही चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हो? मनोहर मासा। मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएं हैं, और आपके प्रतिद्वंदी 10 और हैं उनको भी शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीते। चुनाव तो कोई एक जीतेगा, आप किस बेस में चुनाव जीत मैदान में हो? सरपंचा में। आपका काम करने का उद्देश्य क्या रहेगा, आप क्या करोगे यदि आप सरपंच बन जाते हो तो?
करूँगे, पानी की सभ्यता करूँगी, रोड की सभ्यता करूँगी, गरीब के साथ रहूँगी, मैं किसी को गरीब का पैसा नहीं खाऊंगी। बस ए, मैं जाननी चाहूँ आप जोड़ा कितना हो? 5। आप तो नहीं खाओ, नाराज रहने की बात को नहीं। और हंगाने ठा है के काम तो अपना बादशाह करी या मारा भाई साहब भी करी? मार तो खाउन वालों भी पूत भी नहीं है, मैं तो जंतर पास खड़ी रही हूँ। जंतर सो गए रही तो मेरे को वोट दे देगा, नहीं देगा तो भी जंतर साथ रहेंगे। बस और कोई है जो बोल सकते हैं? प्रतिनिधि है, पहले प्रतिनिधि में खड़े बड़ी संख्या में महिला मौजूद है, लेकिन ग्रामीण है, ग्रामीण परिवेश है, इस लिहाज से बोल नहीं सकते। एक हमें आऊंगा आपके पास ही, वापस आऊंगा आपके पास ही। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? मारवाड़ी में बोल सकते हो? मेरा नाम फुमा है सर। थोड़ा तेज बोले, मैं कम सुनता हूँ। फुमा है मेरा नाम। आप चुनाव में मैदान में हो? मेरी शाहपुरा देवी। अच्छा, आपके जनता की सेवा करी, आपके पूर्व परिवार सोई तो दे समृद्ध दे तो आप जी तो सब कुछ करी। पहली जनता सेवा फसे कोई गोल रोड है गेला है सब वहाँ पर निवेदन पर पूर्व जनता जीता है तो सब कुछ करेगा। चुनाव जी जावे तो आप हंगाने हद लेने भेजे यूनी के खाली गुजर समाज है या हमारे ध्यान हंगर ध्यान रखना सतीश ही कोम आप साथ रहा सा। हाँ भाई जी, आपका कोई नाम है? गणेश देवी है साहब, आपकी पूजा खड़ी हो रही है लड़की आप। और कोई भाई साहब है? सबको मौका दिया जा रहा। हाँ हाँ भाई साहब, एक मिनट बच्चे लोगो, आप पिक्चर हो। क्या नाम है सर जी आपका? नाम बगदाराम है साहब, 1 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। हमारे गाँव के अंदर अस्पताल की जमीन भी हमने दी प्लॉट उनको दान कर दिया अस्पताल। बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपने ग्रामीणों के लिए दान दी। बना हुआ था पुराना, बना हुआ था उस बिल्डिंग को, मैं गई साल ही उनको पढ़वा के नई बिल्डिंग फैक्ट्री से बढ़वाई। एमएलए साहब को और विधायक जी सांसद साहब को हम कई बार बोला कि हमारे यहाँ पे नर्स भी बिठवा दो तो किसी को गोली देवे, वे भी कोई सुनवाई नहीं करे। और जो यानी कि जनप्रतिनिधि आपकी सुनवाई नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो सरपंच बनेंगे, जो प्रत्याशी उन जमीन को बेच के खा गए, वे भी प्रत्याशी आज मैदान में उतर गए, हमारे को वोट दो। वो भाई साहब रोकना चाहूंगा, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। मेरी बात सुनो, यदि मैं इस ग्राम का मतदाता होता तो मैं भी चुनाव लड़ सकता। चुनाव लड़ने से आप किसी को नहीं रोक सकते, रोकेगी तो ये जनता रोकेगी। हम जनता को ही कह रहे हैं, जनता उस आदमी को रोको और ऐसा प्रत्याशी जुड़ो कि इस गांव के अंदर विकास करें, पानी की सप्लाई करावे, अस्पताल खुलवावे और स्कूल की बिल्डिंग के लिए सरकार से बातचीत करें, ऐसा विधायक हमारे को चाहिए। दमंग सरपंच चाहिए, दमंग सरपंच चाहिए। हाँ और कोई भाई साहब है? सबको मौका दिया जा रहा है। हाँ माता जी, अस्पताल को लेके। हाँ बोलिए, क्या कहना है? जो अस्पताल की बात आ रही है बार बार, सब सेंटर हमारे जो 1985 में बना हुआ था, पूरा जर्जर व्यवस्था था, उसको गिरा कर सिर सीमेंट कंपनी ने 5-10 लाख लगा के एकदम नया बना हुआ है, तैयार है एकदम। अब उसमें स्टाफ की कमी है, नर्स नहीं बैठती है। और हमारे जो गांव की जो नर्स है, हमें ऐसे सुनने में आया वो हमेशा बैठे थे क्योंकि उनको सुविधा नहीं है यहाँ बैठने के लिए। तो पर्याप्त सुविधा हो चुकी है, लेटरिंग बाथरूम सारी व्यवस्था है। अब जो नया जो भी सरपंच बने वो सबसे पहले प्रयास करके एक नर्स यहाँ बिठावे तो गांव में गरीब और जनता का वो छोटा मोटा इलाज कर सके। ये जनहित की समस्या, आपकी समस्या, वाजी समस्या, और प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि यदि चुनावों के बाद ऐसी स्थिति बने तो इसे ग्राम में चिकित्सा सुविधा का अभाव है, जैसा भाई साहब ने बताया कि जो सिक्योरिटी नर्स है वो यहाँ नियमित अपनी सेवाएं नहीं दे रही है, तो प्रशासन से आग्रह रहेगा कि वो उनकी नियुक्ति करे। और कोई भाई साहब है? सबको मौका दे। हाँ आगे आइए, तशरीफ लाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेवर काटा थे। ऐसा सरपंच चुनना है जो युवा हो और अच्छे को। महिला की सीट है, महिला भी अच्छी को चुनना, सच्चे को चुनना है। अपने को गांव का विकास करवाना है, या बांगड़ फैक्ट्री से कुछ भी नहीं मिलता है, किसी को एग्रीमेंट नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। ये रास्ता भी है बूटीवास टू भीमगढ़, रास्ता बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है कि कोई जा नहीं पाएगी, 4-व्हीलर भी नहीं जा पाएगा, वो आने जाने में एक्सीडेंट होता है, हमेशा कुछ न कुछ होना रहता है। और गांव में कुछ भी विकास नहीं है, नहीं सड़कें हैं, नहीं पानी की सुविधा है, लाइट बहुत कटती हैं, ये ऐसी समस्या हो रही है। बराबर लाइट नहीं मिली आपको? बिल्कुल नहीं मिल रही है लाइट, और पानी की समस्या हद से ज़्यादा है, और बूटीवास में नहीं तो मीठा पानी की सुविधा है, और सरपंच कोई ध्यान भी नहीं देता है, कोई भी सरपंच हो। मैं भाई साहब रोकना चाहूँगा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते, आपको जानकारी नहीं है, फिर भी सरपंच तो एक मजबूत होता, हर कार्य सरपंच चाहता तो करा सकता। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मैं घासीराम। माइक मेरे पास रहने दो। मैं घासीराम देवासी हूँ, आपका स्वागत है सबसे
बाद में नंबर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैं सबका अभी अंतिम वीडियो जारी है। ठीक है, मैं खान साहब ये चाहता हूँ, हर कोई सरपंच आता चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, विकास करेगा, ये तय है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस गांव के जो अंतिम छोर का आदमी है, जो गरीब है, अति पिछड़ा है, उसको अब उसको ऊपर लाए, ऐसा सरपंच चाहिए। यहाँ जो गांव की प्रजा है उसके लिए लोकसभा और विधानसभा ये पंचायत है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ उसकी सबकी पूरी आवाज़ सुनी जाए, उसको पूरा मतलब अधिकार मिले कि अपने पंचायत क्या होती है, राज क्या होता है, ये मैं चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही और यही होना चाहिए। मेरा भी उद्देश्य यही है कि आम जन की आवाज़ को सुना जाए। ऐसा हाँ मैं मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा, मेरी बात पूरी होने दो। ऐसा सशक्त सरपंच का आपको चयन करना है। आप चूंकि चुनाव है, चुनाव के दौर में आपको कुछ आपको कुछ लोग लालच भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे, आपको शराब भी पिलाएंगे, लेकिन ये शराब और पैसे चार दिन तक ही रहेंगे। अलबत्ता हमें दुख है, पाँच साल के लिए भुगतना पड़ेगा। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? सबको मौका दिया जा रहा है, है कोई भाई साहब? ये खुला मंच है। हाँ हाँ अपनी बात रखिए। वापस मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीबों को बिल्कुल सुविधा नहीं होती किसी को। जिसको बीपीएल में राशन है वो बिल्कुल मतलब अमीर है, उनका बीपीएल में है। जो गरीब है उनका बिल्कुल बीपीएल में नहीं है, उनको कोई खाने वाने की सुविधा नहीं दी जाती है। और यहाँ पे पंचायत में कोई भी समस्या लेके आते तो पंचायत बंद मिलती है, ऐसी सुविधा नहीं हो रही बिल्कुल। भाई साहब आपने बीपीएल की बात की है, बीपीएल की समस्या हर गांव में यथावत, ऐसे कैसे है कमाओ, यही हाल है, सब जगह ऐसे ही हालात है। जो अमीर लोग हैं, जो होशियार थे, जो पढ़े लिखे थे, वो तो बीपीएल है, जो मेरी तरह से गरीब है वो वाकई में गरीब रहकर आज अपनी बीपीएल श्रेणी में नहीं आता। हाँ भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? जो समस्या है ना बीपीएल में, उनका भी नाम बंद है, चलो नहीं है, वो भी तरस रहे। मकान आ गया तो उनका कोई अता पता नहीं है, तुम्हारा मकान लिस्ट में नाम कट गया, आया बोले पंचायत में देखे कहीं आ गया और है ही नहीं, उसका नाम काट दिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और रिश्वत का मामला बहुत चलता है इधर ज्यादा। भाई साहब मैं रोकना चाहूंगा, अपन किसी पर सीधे तौर से रिश्वत का आरोप नहीं लगा सकते। आपने पैसे दिया क्या कभी किसी ग्राम सेवक को? पैसे ग्राम सेवक को नहीं दिया, आते ना कोई भी आते है तो बोलते हैं कि नहीं आपने दिया क्या? मैं ये जानना, आपने अपनी जेब से दिया क्या? मैं ये जानना चाहूंगा। मेरे को चाहिए नहीं ना, जो गरीब के है उसके तो बनते ही नहीं। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हो, हालांकि आपकी बात वाजिब भी हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार का मामले का आरोप, मेरी बात पूरी होता होगा, लेकिन आपने तो अपनी जेब से पैसे नहीं दिया ना। दो किस्त, एक एक किस्त दी, किसी की किस्त बहुत जाने की बाकी है पंचायत में, और किसी को पूछ सकते हो आप? आजकल ऑनलाइन जमाना है, मगर अभी भी बाकी है बहुत जनों की, किसी के 5,000 बाकी, किसी के 10,000, किसी 7,000, ऐसे काफी बाकी है चयनित वालों के। जो मकान दिया ना सरकार ने उसमें काफी कितनों को पेमेंट बाकी है, अभी भी आज तक ही बाकी है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप बहुत समझदार लगे, बहुत पढ़े लिखे लगे, विकास अधिकारी रायपुर, जेतारण विधेयक, जेतारण जिला कलेक्टर पाली को आप शिकायत करो, फिर देखना काम होता नहीं होता है। नहीं वो तो किया नहीं, अभी करेंगे और आगे भी किया होगा, लास्ट चारा यही है, ये नहीं समझेंगे तो यही बात है। हाँ तो आपके पास कलम है, आपके पास ताकत है, आपके पास कागज है, आप सब कुछ कर सकते हो, ये लोकतंत्र है। और कोई भाई साहब है जिनकी आवाज? हाँ माता जी, भाई जी जो भी इधर सामने हो, क्या नाम है आपका? लीला। लीला आप चुनाव मैदान में हो? हाँ सर। वार्ड पंच में हो, कोई बात नहीं, मेरी ओर से शुभकामना है। अपने वार्ड का कैसा क्या काम करोगे आप? हम रोड बनाएंगे, पानी लेके आएंगे, हम मेहरबानी करके सरपंच से साथ रहेंगे। भाई जी मैं एक बात कहनी चाहूँ, आपने सरपंच कोई बना अपन कोई लेना देना नहीं, उनके साथ रहेंगे, काम कराएंगे, कान पकड़ के काम करवाना है। हाँ, कान पकड़ के हाँ काम कराएंगे, उनके साथ में रहेंगे, ऐसे नहीं कचहरी और कोफ्ते में रहेंगे, नहीं ऐसे होएगा नहीं, काम लेके आऊंगी। क्योंकि अधिकतर ये लेखा जाता है कि कहीं जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कचोरी समोसों में ही रह जाता है। तो बहरहाल है, और कोई भाई साहब है जिनको? हाँ एक बार मैं चौधरी साहब के बाद और जाना चाहूंगा। चौधरी साहब अब चूंकि समय ज्यादा हो गया, गर्मी भी इतनी परसेंट है कि गर्मी भी इतनी तेज है कि मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल है, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे इस ग्राम के लिए? साहब मेरा तो गांव से यही, इस बार तो इंद्रदेव बहुत मेहरबान हुए, वो मैंने देखा पूरा ये बूटीवास गांव के आसपास की जितनी भी नदी है वो चल रही है, और ये स्कूल की समस्या साहब बहुत ही पुरानी झंझर हो चुकी है और नहीं बनी है, ऑलरेडी नहीं बन चुकी है, परंतु गाँव और पब्लिक में इसमें संबंध अच्छा नहीं है, तालमेल नहीं बैठ रहा, इसलिए अटकी हुई है।
तो ये स्कूल से कहीं गिर नहीं जाए, इससे पहले नहीं शुरू हो जाए, ये बच्चों के लिए भविष्य बहुत अच्छी बात है। एक और ग्रामीणों से आग्रह है और तमाम वीडियो देखने वाले से आग्रह है कि कोरोना महासंक्रमण चल रहा है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंस रखे और चेहरे पर मास्क रखे और कम से कम हो तभी घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। माताजी कुछ कहना चाहेंगे? बार बार माताजी बीच में आ रहे। हाँ, अपनी पीड़ा बताइए। ये पीड़ा मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो समस्या ये, यहाँ पे हेवी ट्रक आ रहे हैं जो फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री जाने के लिए रास्ता ये गांव के अंदर से कितने दिन में बंद था तो उसको तोड़ के वापस गाँव के अंदर लाए, जबकि उनकी रोड अलग बनी हुई है तो भी वो गाँव के अंदर होकर निकलते हैं, उसको पहले बंद किया जाए। एक पिछली बार एक लड़का, माताजी ने जैसे बताया, वो लड़का उसके सामने भाई अंदर नहीं लेके जाना, उसको मारा उस ट्रक वाले ने, यही माताजी बता रही थी। कम से कम ट्रक ऐसे एक्सीडेंट हर महीने में एक एक्सीडेंट होता है और लेके तीन तो पक्के गाय का पैर काट कर छोड़ रहा है। आए हो तो मेरा कैमरामैन को सुविधा रहेगी बोले। गाय का पैर कट जाता है, कभी बछड़ा मर जाता है, ये प्रतिदिन प्रतिदिन यही प्रॉब्लम है। ट्रक अंदर नहीं आए, गांव के अंदर बाहर से निकले। हाँ, तो बताना, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं बूटीवास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ आगामी 28 सितंबर को इस ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव है। सामान्य महिला की सीट है और लगभग 11 प्रत्याशी इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे। ये अलग बात है, ग्रामीणों को देखना है कि इसमें ग्राम को आगे ले जाने वाला कौन है कौन नहीं है। तो बहरहाल लेते हैं इजाज़त, चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है, समय की एक सीमा, तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त और हम जल्दी आपके सामने आने वाले कल में एक नई ग्राम पंचायत लाएंगे। जैसे बूटीवास है ऐसी सुरदूर पंचायत है, इसे रायपुर पंचायत समिति में बहुत सारी, हालांकि बहुत लोगों के मेरे पास फोन आता, सब जगह पहुँचना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी, रही रहे हमेशा यही रहेगी कि नियमित रूप से एक पंचायत आपको वहाँ ले जाकर उन ग्रामीणों से रूबरू करो। तो दीजिए मुझे इज्जत, मैं आईबी खान जैता न्यूज़ के लिए इसे बूटीवास ग्राम पंचायत मुख्यालय से। जय हिंद, नमस्कार।